आप देख रहे हैं दखल न्यूज। कर्नाटक में राजनीतिक घमासान, येदुरप्पा ने कहा कि वे सदन में शक्ति परीक्षण के लिए तैयार। भारत का मिशन चंद्रयान 2, बाहुबली पर सवार होकर मिशन पर जाएगा चंद्रयान। भारतीय स्टेट बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर अंशुला कांत बनी वर्ल्ड बैंक की नई एमडी और सीएफओ। टीआरएस नेता नालूरी श्रीनिवास राव को नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ में उतारा मौत के घाट, तेलंगाना से किया था अगवा। और जबलपुर से गैंगरेप की वारदात, तो शिवपुरी में सड़क पर मिला आरक्षक का शव। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। कर्नाटक में जारी राजनीतिक नाटक के बीच बीजेपी अध्यक्ष येदुरप्पा ने कहा कि वे सदन में शक्ति परीक्षण के लिए तैयार हैं। येदुरप्पा ने कहा कि अगर सरकार विश्वास प्रस्ताव लाना चाहती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं। कर्नाटक के पूर्व सीएम ने बताया कि वे सोमवार तक इंतजार करेंगे। कर्नाटक के सीएम एचडी कुमार स्वामी ने कहा कि उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है, वे विश्वास प्रस्ताव लाएंगे। पूर्व सीएम येदुरप्पा ने स्वीकार किया कि वे मुंबई में मौजूद कांग्रेस के बागी विधायकों से संपर्क में हैं, वे सभी खुश हैं। येदुरप्पा ने कहा कि एचडी कुमार स्वामी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और नई सरकार गठित होने देना चाहिए, लोग इस सरकार से अब ऊब चुके हैं। इधर 5 और बागी विधायक सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। इन विधायकों ने कोर्ट से शिकायत की है कि स्पीकर के आर रमेश कुमार उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इन विधायकों के नाम हैं के सुधाकर, रोशन बेग, एमटीबी नागराज, मुन्नी रतन और रत्न सिंह। इन विधायकों का कहना है कि स्पीकर का रवैया उनके संवैधानिक और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। विधायकों ने अपनी याचिका में कहा कि उन्हें सरकार का समर्थन करने को कहा जा रहा था, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित करने की धमकी दी जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से कुछ विधायक जब इस्तीफा देने गए थे तो उनके साथ धक्का मुक्की की गई थी। कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक विधायिका का कोई भी चयनित जनप्रतिनिधि अपनी चेतना के आधार पर इस्तीफा दे सकता है, ये उसका मौलिक अधिकार है। भारत का मिशन चंद्रयान 2 अपने लॉन्च के करीब पहुंच रहा है। इसरो रविवार से चंद्रयान 2 का काउंटडाउन शुरू करेगा, जिसके बाद 15 जुलाई को इसरो के सबसे ताकतवर रॉकेट बाहुबली पर सवार होकर चंद्रयान 2 अपने मिशन पर निकल जाएगा। इसरो चीफ के सिवानी के अनुसार यह 20 घंटे का काउंटडाउन होगा। अब तक सब कुछ काफी अच्छी तरह से चल रहा है। जीएसएलवी 15 जुलाई को सुबह 2:51 पर श्री नरहरि कोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से उड़ान भरेगा। 640 टन का 44 मीटर ऊंचा जीएसएलवी मेक 3, जिसका नाम बाहुबली रखा गया है, वो 3.8 टन के चंद्रयान 2 को लेकर उड़ान भरेगा। अपनी 16 मिनट की उड़ान में जीएसएलवी मेक 3 रॉकेट 603 करोड़ की लागत से बने चंद्रयान को अर्थ पार्किंग में ले जाएगा। काउंटडाउन के दौरान रॉकेट की चेकिंग होगी और इसमें फ्यूल डालकर इसरो अब तक 3 जीएसएलवी मेक 3 रॉकेट अंतरिक्ष में भेज चुका है और इनमें सबसे पहला रॉकेट 18 दिसंबर 2014 को भेजा गया था। भारत के इस बड़े मिशन चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग को देखने के लिए लोगों में भी खासा उत्साह है और उसे लाइव देखने के लिए इसरो की साइट पर अब तक हजारों लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। भारतीय स्टेट बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर अंशुला कांत को वर्ल्ड बैंक का नया एमडी और सीएफओ नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष ने अंशुला कांत को बैंक में रिस्क मैनेजमेंट और प्रेसिडेंट को रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी सौंपी है। वर्ल्ड बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर अंशुला कांत को नया एमडी और सीएफओ नियुक्त किया गया है। अध्यक्ष डेविड मालपास ने अंशुला कांत को वर्ल्ड बैंक की एमडी और सीएफओ बनाने पर खुशी जाहिर की है। गौरतलब है कि अंशुला को फाइनेंस बैंकिंग क्षेत्र का 35 साल का गहरा अनुभव है। एसबीआई में विभिन्न पदों पर रहते हुए 38 अरब डॉलर के राजस्व और कुल 500 अरब डॉलर की परिसंपत्तियों का मैनेजमेंट किया है। एसबीआई में तकनीक के बेहतर इस्तेमाल को लेकर अध्यक्ष ने अंशुला कांत की सराहना की।
अंशुला कांत को बतौर एमडी एवं सीएफओ वित्तीय प्रबंधन और जोखिम प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। तेलंगाना से 8 जुलाई को अगवा किए गए टीआरएस नेता नालूरी श्रीनिवास राव को नक्सलियों ने मौत के घाट उतार दिया है। उनका शव छत्तीसगढ़ की सीमा पर सुकमा जिले के गांव पुट्टापड़ू के जंगल में मिला है। दंतेवाड़ा और सुकमा इलाके के सभी थाना व कैंपों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तेलंगाना के भद्राद्री कोतागुड़म जिले के एसपी सुनील दत्त ने पूर्व विधायक श्रीनिवास राव की नक्सली हत्या की पुष्टि की है। राव के शव के पास नक्सलियों की चेरला एरिया कमेटी की सचिव शारदा के नाम से जारी एक पत्र भी मिला है, जिसमें राव को पुलिस का मुखबिर बताते हुए हत्या करने की बात कही गई है। शव को उनके गृह जिले तेलंगाना के भद्राद्री कोतागुड़म रवाना दिया गया है। राव के सत्ताधारी दल टीआरएस के मंडल स्तरीय पदाधिकारी थे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की ओर से सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी को तगड़ा झटका लगा है। भाजपा विधायकों के बीच जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अविश्वास प्रस्ताव पर समर्थन की सहमति नहीं बन पाई। शुक्रवार को सदन स्थगित होने के बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक के कक्ष में भाजपा विधायकों ने करीब आधे घंटे मंथन किया। इस दौरान सदन में आगे की रणनीति पर विचार किया गया। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ को लेकर विधायक दल की ओर से सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने पर भाजपा विधायकों में सहमति नहीं बनी। वहीं जकांश के सहयोगी बसपा विधायकों ने भी अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी को सिरे से नकार दिया। बसपा विधायकों ने जकांश विधायकों से साफ कह दिया कि अभी अविश्वास प्रस्ताव लाने का समय नहीं है। सदन में जकांश के 5 और बसपा के 2 विधायक हैं, वहीं भाजपा के 14 विधायक हैं। भाजपा विधायक दल की बैठक अब 15 जुलाई को नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक के आवास पर होगी। बताया जा रहा है कि भाजपा ने दंतेवाड़ा विधायक भीमा मंडावी की नक्सली हत्या और हिरासत में आदिवासी युवक की मौत के मामले को लेकर सदन में स्थगन प्रस्ताव दिया था। विधानसभा अध्यक्ष ने अभी इस पर कोई निर्णय नहीं किया है। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि सदन में सरकार की गलत नीतियों का विरोध किया जाएगा। बिजली कटौती से लेकर धान बीज और खाद की उपलब्धता के मुद्दे को सदन में उठाया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए हमें 9 विधायकों की आवश्यकता है। 90 में से जो 1/10 हिस्सा है, जब तक उतनी संख्या में विधायक दस्तखत नहीं करते हैं वो अविश्वास प्रस्ताव ग्राह्य नहीं किया जाता है चर्चा पर। जब 9 दस्तखत हो जाते हैं तो उस पर सारी कार्रवाई रोककर चर्चा करनी पड़ती है। तो हमने भारतीय जनता पार्टी से ये आग्रह किया है कि आपके पास भी विधायकों की संख्या है, 2 विधायक अगर हमारे इस दस्तावेज में दस्तखत कर देंगे तो हम सरकार को चौतरफा घेर सकेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप छत्तीसगढ़ के हितैषी सिद्ध होंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त न मिलने से गुस्साई महिलाओं ने नगर पालिका के सामने रोटियां बनाकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है। अधिकारियों जनप्रतिनिधियों को चेताने महिलाओं ने सब्जी रोटी बनाकर नगर पालिका के कर्मचारियों में वितरित की। भाजपा के विरोध का समर्थन करने के साथ ही सियासत तेज हो गई है। जनप्रतिनिधियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू हो गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त नहीं मिलने से गुस्साई महिलाओं ने गाडनवारा नगर पालिका के सामने ही रोटियां बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। कई दिनों से धरने पर बैठी महिलाओं का आरोप है कि नगर पालिका के अधिकारी और अध्यक्ष के द्वारा किस्त अदायगी में भेदभाव किया जा रहा है। बरसात में किस्त की राशि समय पर ना मिलने से समस्याएं खड़ी हो गई हैं। लोग अधूरे पड़े मकानों में तिरपाल डालकर रहने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि बरसात में समस्या बड़ी विकराल होती जा रही है। बरसात के कारण घरों में पानी घुस रहा है, लेकिन कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी का शिकार हो रहे लोगों ने प्रशासन की आंखें खोलने और चेताने के लिए यह प्रदर्शन किया। अब नगर पालिका के सामने डेरा जमा चुकी महिलाएं न्याय की गुहार लगा रही हैं और जल्द से जल्द किस्त डालने की मांग कर रही हैं। सर जी, 2 साल हो गया हमको मिजी कागज मिले, आदमी पैसे मांगते हैं नगर पालिका आदमी कर्मचारी कि आपके मकान के पैसे आ जाएंगे। वो सतीश सरांटे जी घर पे आए थे, 20,000 मांग रहे थे कि आपके पैसे डल जाएंगे। पापा जी से बोला था, उसे दारू पी के आया था शाम के टाइम, 20,000 रुपये मांग रहे थे। पीड़ित हितग्राहियों का धरना है और आज तीसरा दिवस यह धरने का है और इसमें कहीं कोई चिंता का और कहीं कोई ये बात करने का विषय नहीं है। अगर वाकई में इन पीड़ितों की समस्या को समाधान नहीं होता तो दिन ब दिन यह धरना का रूप
बदलते जाएगा। महिलाओं के इस धरने को स्थानीय तौर पर भाजपा नेताओं का साथ मिलने से मामले में अब सियासत शुरू हो चुकी है। यहाँ या यूं कहें कि धरने में राजनीतिक रूप धारण कर लिया है। धरने का राजनीतिकरण होने से भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों का उसका राजनीतिक फायदा उठाने कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। जब इस बारे में स्थानीय भाजपा पार्षद से बात की गई तो उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि अध्यक्ष किस्त की राशि में पक्षपात कर रही है और अपने वालों को फायदा पहुंचा का काम कर रही हैं। जो पात्र हितग्राही हैं 24वीं वार्ड के, जब तक उनके खातों में पूर्ण राशि नहीं डाला जाएगी, जब तक ये धरना आंदोलन हितग्राहियों द्वारा एवं पूरे पार्षद भाजपा के द्वारा उनको सहयोग प्रदान किया जाएगा। इस लड़ाई के लिए चाहे हमको कलेक्ट्रेट जाना पड़े और चाहे विधानसभा या मुख्यमंत्री के बगले के सामने धरना प्रदर्शन करना पड़े। जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो भ्रष्ट पार्षद लोग आंदोलन में बैठे हैं, उन्हीं की जांच कराई जाए और मेरी भी जांच कराई जाए। मैं ये चाहती हूँ कि राजीव बाट की जितनी हितग्राही हैं उनकी सबकी फाइल रख लें आप और देख लें कि इसमें पात्र कौन है और अपात्र कौन। जितने पात्र हितग्राही हैं उनकी सबकी फाइल चल रही है, किसी की पहली किस्त डल चुकी है, किसकी दूसरी डल चुकी है, किसी की तीसरी डल चुकी है। और जो हितग्राही में नहीं हो पाया जिनका, तो वो मेरे पास फाइल लाएं, अपना पूरा उसमें कागजात लगा के लाएं और मेरे से संपर्क करें, सीओ मसर संपर्क कर रहे हैं, हम उसका लाभ उनको जरूर दिलाएंगे। कांग्रेस और भाजपा के जनप्रतिनिधि एक दूसरे पर भले ही आरोप लगा रहे हों, पर इन गरीबों का क्या जो तिरपाल डालकर बरसात में खुले आसमान के नीचे रहने पर मजबूर हैं। राजनीतिक खींचतानी के और आरोप प्रत्यारोप के बीच धरने पर बैठे हितग्राहियों का उनका हक कब मिल पाता है, यह देखने वाली बात होगी। आवास का सपना लिए बैठे हितग्राहियों को अभी और कितना इंतजार करना पड़ेगा। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lnctu.ac.in. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शराब के नशे में धुत तहसील कार्यालय में काम कराने आए एक वकील का महिला नायाब तहसीलदार से अभद्रता करने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। शराबी वकील की दहशत इतनी थी कि लोग तहसील में ताला लगाकर भाग गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर वकील को गिरफ्तार कर लिया है। जबलपुर में शराब के नशे में धुत एक वकील के द्वारा नायाब तहसीलदार से अभद्रता करने का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो आधारताल तहसील का है, जहां बीते दिनों वकील शराब के नशे में धुत होकर अपना कुछ काम करवाने के लिए तहसील पहुंचा था। वकील का नाम सामंत राज साहू बताया जा रहा है, जो कि अपने साथ चाकू भी लाया हुआ था। जानकारी के मुताबिक वकील शराब पिए हुए था और अपना काम करवाने के लिए उसने न सिर्फ महिला नायाब तहसीलदार से अभद्रता की बल्कि चाकू भी चमकाया। बताया जा रहा है कि वकील तलवार लेकर भी घूम रहा था। नायाब तहसीलदार की शिकायत पर विजय नगर थाना पुलिस ने वकील सामंत राज साहू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसपी अमित सिंह ने बताया कि आज भी वकील सामंत राज साहू नशे में तहसील पहुंच गया था। बंद करके तो अभी आई हूँ मैं। वो आ गई है, वो दीदी आ गई। अपना भी बहुत तेज है भाई, अपना भी बहुत तेज है।
सामंत राज साहू और जिस तरीके से वो मिसबिहेव कर रहे थे वो कहीं से भी वकील जैसे प्रोफेशन के कंडक्ट रूल में नहीं आता है। तत्काल आज उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, उनका मेडिकल भी कराया गया, ब्लड सैंपलिंग भी कराई जा रही है। तहसील में पहुंच गए थे शराब पिए हुए और हथियार लेकर, इतना दहशत था कि पूरी तहसील में लोगों ने ताला बंद कर दिया था और वो कलेक्टर साहब के पास चले गए थे। एडीएम सलोनी मैडम का फ़ोन मेरे पास आया था, हमने एडिशनल एसपी सिटी राजेश को उसके बारे में सूचना दी थी, हमारा बल भी वहाँ पहुँच गया था और मौके से उन्हें रंगे हाथ पकड़ भी लिया गया है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। वकील की दहशत इतनी थी कि लोग तहसील छोड़कर चले गए, इतना ही नहीं तहसील में ताला भी लगा दिया गया। एसपी के निर्देश पर विजय नगर थाना पुलिस ने वकील को गिरफ्तार कर लिया है। सामंत राज का गंभीर अपराध मानते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी की जा रही है। सुकमा के बाईपास सड़क के किनारे एक सहायक आरक्षक का शव मिला। आशंका जताई जा रही है कि आरक्षक की हत्या करने के बाद शव को सड़क किनारे फेंक दिया गया है। सुकमा में सुपनार के पास सहायक आरक्षक का शव बरामद होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि सहायक आरक्षक राम निवास देर शाम पुलिस लाइन में होने वाली गणना में शामिल था। उसके बाद वह कहां गया इसकी किसी को जानकारी नहीं थी। शव के पास एक बोलेरो वाहन भी खड़ा मिला। पुलिस ने नक्सल घटना से इनकार करते हुए घटना को आपसी रंजिश बताया है। आशंका यह भी जताई जा रही है कि वारदात को कहीं दूसरी जगह अंजाम देने के बाद शव को बाईपास के पास फेंका गया है। बाईपास सड़क के किनारे लोगों ने शव को देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर मामले की जांच में जुट गई। सुकमा एसपी शलभ सिन्हा ने भी घटनास्थल पहुंचकर घटना की जानकारी ली। अर्ली मॉर्निंग सुकमा मलकानगिरी बाईपास रोड पे हमारे डीआरजी के आरक्षक राम निवास मरकाम की बॉडी हमको मिली और उसमें देख करके ये समझ में आ रहा है कि किसी धारदार हथियार से उसकी हत्या की गई है और हत्या के पश्चात उसी की बोलेरो में बॉडी उसी के बोलेरो के बगल में बॉडी को फेंक दिया गया था। और हम लोग पूरी गतिविधियों पे नज़र रखे हुए हैं कि कल शाम को जब अपने ग्रुप के साथ में वो था उसके बाद वो कहाँ गया है, इस किससे मिला है और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ही हम इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा करने में सफल होंगे। ऐसी ही खबर एमपी के शिवपुरी से है। शिवपुरी के हाथी खाना इलाके में शनिवार की सुबह एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। यह शव पुलिस लाइन में तैनात आरक्षक मुकेश शर्मा का था। आरक्षक की मौत कैसे हुई पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस कर्मियों के निवास इलाके हाथीखाना ठाकुर बाबा मंदिर के समीप मिला शव लाइन में तैनात आरक्षक मुकेश शर्मा का था जो पहले कंट्रोल रूम पर तैनात था। जानकारी मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर गई और एफएसएल टीम को भी बुला लिया गया। बाद में मुकेश के शव को अस्पताल में पोस्टमार्टम रूम में ले जाया गया। मौके पर मौजूद मुकेश के रिश्तेदारों का कहना है कि बाइक पास में रखी थी और वो नीचे पड़ा हुआ था। मौके पर मौजूद लोग कुछ मुकेश की मौत नशे की लत के चलते होने की बात कह रहे थे। हालांकि पुलिस पीएम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, इसके बाद ही सिपाही की मौत की असल वजह सामने आ पाएगी। एमपी में महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। जबलपुर में फेसबुक के जरिए दोस्ती कर गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया है और इनके पास से हथियार भी बरामद किए। जबलपुर के शारदा चेक स्थित कॉलोनी के अपार्टमेंट में तीन युवकों ने युवती को बुलाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपियों ने युवती को फेसबुक के जरिए बुलाया था। पीड़ित युवती के अनुसार शुभम, कमलेश और जीतू ने उसके साथ गैंगरेप किया। यह तीनों नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव तहसील के रहने वाले हैं। आरोपियों ने करीब 4 बजे युवती को काम के सिलसिले में बुलाया और उसके साथ रेप किया। वारदात के बाद पीड़िता ने मदन महल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक के अनुसार तीनों आरोपियों ने पहले भी कई युवतियों के साथ ऐसी वारदात को अंजाम दिया है। ये घटना गढ़ा थाने की है, नेमा कॉलोनी सादा चौक के पास ये घटना हुई है जिसमें एक आरोपी की फेसबुक फ्रेंड को उसने अपने लॉज में बुलाया, अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ दो और आरोपियों ने गैंगरेप किया है। तीनों आरोपी को हमने अरेस्ट कर लिया है। अभी इनके वीडियो कैमरे चेक करने के बाद और भी हमें कुछ जानकारियां मिली हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं। कुछ वीडियो इन्होंने और बनाए हैं, वो कहाँ बनाए गए हैं, किन परिस्थितियों में बनाए गए हैं, ये हमारी जाँच का विषय है।
और बहुत जल्दी हम इसमें पूछताछ करके आगे की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। कलेक्टर के निर्देश के बावजूद लोक निर्माण विभाग भगवान जगन्नाथ स्वामी की यात्रा में सड़क के गड्ढों की मरम्मत न किए जाने से नाराज श्रद्धालुओं ने विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया। विभाग के अधिकारियों के गैर मौजूदगी में भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक कर्मचारी को मांग पत्र सौंपा और मांग पूरा न होने पर तालाबंदी करने की चेतावनी दी। रीवा कलेक्टर के निर्देशों के बावजूद लोक निर्माण विभाग की उदासीनता के चलते भगवान जगन्नाथ स्वामी की यात्रा में सड़क में मौजूद गड्ढों की मरम्मत नहीं करवाई गई, जिसके चलते श्रद्धालुओं को यात्रा में काफी असुविधा का सामना करना पड़ा। नाराज बजरंगियों और यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं ने लोक निर्माण विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। विरोध और नारेबाजी की खबर उच्च अधिकारियों को जैसे ही लगे अधिकारी रफू चक्कर हो गए। फोन कर बुलाए जाने पर भी अधिकारी पल्ला झाड़ते नजर आए। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मजबूरन कार्यालय में पदस्थ एक सामान्य कर्मचारी को अपना मांग पत्र सौंपा। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मांग को पूरा नहीं किया गया तो विभाग में तालाबंदी की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। पीडब्ल्यूडी एजेंसी के द्वारा किया जाएगा, लेकिन पीडब्ल्यूडी केवल वहां पर हां कहकर अभी तक अपने से पल्ला झाड़ लेती है और किसी भी प्रकार का मरम्मत का कार्य नहीं कराती। हद तो तब हो जाती है कि यहाँ पर जब कितने सारे SDO हैं, कार्यपालन यंत्री हैं, ज्ञापन देने हम लोग आए और यहाँ पर उनको जानकारी हुई तो सब अपना बचाव करने के लिए यहाँ से भाग लिए। आज यहाँ पर चपरासियों के अलावा और बाबुओं के अलावा कोई भी मौजूद नहीं है। तो कुल मिला के ये विभाग की एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आती है। 19 तारीख तक यदि हमारी मांगें नहीं पूरी हुई तो हम 19 तारीख को विभाग में तालाबंदी करेंगे और जब तक कार्यवाही नहीं होगी तब तक अनवरत तालाबंदी और आंदोलन चलता रहेगा। जबलपुर पुलिस ने गांजा तस्करी कर रहे दो युवकों को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। आरोपियों के पास से 102 किलो गांजा बरामद किया गया है। जगदलपुर पुलिस की चेकिंग के दौरान दो गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 102 किलो गांजा बरामद किया गया है और इस गांजे की बाजार में कीमत 5,10,000 रुपए है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक गाड़ी में कुछ लोग गांजा लेकर छत्तीसगढ़ के रास्ते मध्य प्रदेश जा रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस ने गाड़ियों की चेकिंग की। इस दौरान एक गाड़ी से गांजा बरामद किया गया और दो गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। चेकिंग के दौरान जो है उक्त गाड़ी को रोका गया और इस गाड़ी के जो गेट हैं, गेट पर चेकिंग की गई तो इसमें जो है अवैध रूप से गांजा रखना पाया गया और इस गांजा का जो वजन है 102 किलोग्राम है और इसका जो मूल्य है करीब 5,10,000 रुपए हैं। और इस मामले में दो आरोपियों को जो है हिरासत में लिया गया है, आलम शाह और रिजवान लाल इंदौर के रहने वाले हैं और आलम शाह मध्य प्रदेश देवास क्षेत्र के निवासी हैं। और इस मामले पर जो है थाना नगरनार में PSB NDPS एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज। दखल आपके हक में। आप जर्जर भोपाली सुनाएंगे आपको भैरन समाचार। नमस्कार, भैरन समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। और भैया अभी तो हिंदुस्तान के हर घर में बाढ़ आ गई, बता रहे हूँ। ये आंसुओं की, इतने इंडिया की टीम हार गई, इतनी आंसू बहा रहे हैं लोग, हर घर में पानी खतरे के निशान से ऊपर चल गया है, बता रहे हूँ। हाँ, और मैं बता रही हूँ न्यूजीलैंड को ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है ना, बहुत बुरी चीज़ होती है, बता रही हूँ। इन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस में रहे, ये न्यूजीलैंड को तो ऐसे ही हरा लेंगे, बड़ी बड़ी टीमों को हराया तो इसको तो ऐसे ही पटक लेंगे। और एक दिन बाद मैच हुआ, बारिश ने भी है ना मज़ा ख़राब किया और दूसरे दिन पिच थोड़ी गीली हो गई और सुर्री बोले आ रही थी, इनको समझ नहीं आई। तीन चार तो ऐसे ही नहीं पटकाए, तब समझ में आया थोड़ी देर बाद तो टिकना विकना शुरू किया इनने। और फिर भैया हार के लिए कोई धोनी को जिम्मेदार ठहरा रहा है, कोई किसी को। अब मैं बता रहा हूँ धोनी नहीं होता तो ये 118 रन से हारते, अभी 18 थे हारे। हाँ, और भैया खिलाड़ी ये खेल है, खेल को खेल की तरह लो। हाँ, मैं बता रहा हूँ जैसा थोड़ी है। और मुझे तो ये लग रहा है डर कि जो खिलाड़ी जो आउट होके जा रहे थे, मुझे लगता है विज्ञापन कंपनियों का फोन आ रही है ना कि भैया जल्दी आ जाओ शूटिंग करना है, ऐसा मेरे को लग रहा था। हाँ, वो सट्टे वालों की बहुत 12 बज गए, इनको तो बहुत भारी नुकसान हुआ। इन्होंने सट्टा लगाया था कि जीतेगी इंडिया, इनको तो पूरा ही भरोसा था। वो जो हार के जिनने हार पे लगाया था उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई, बता रहा हूँ ये ऐसा तो चल जाए। और मैं बता रहा हूँ ठीक है, क्रिकेट के अलावा दूसरी चीज़ें भी है। दुती चंद जो हैं अपनी एथलीट, इन्होंने 100 मीटर में स्वर्ण पदक ले लिया, इसकी खुशी मनाओ ना भैया, ग्लोबल इवेंट था, ये ऐसा थोड़ी है। हाँ, ये दूसरी चीज़ भी है, उनका भी ख्याल रखो। और भैया मध्य प्रदेश का बजट आ गया, बता रहा हूँ। और डायबिटीज़ के मरीज यानी मेरे पास आए, शिकायत कर रहे थे, बोले मिठाइयों की ब्रांडिंग करने वाली सरकार है।
भाई भाजपा के शासनकाल में भाजपा वालों ने पकौड़ा का भी वो किया था कि पकौड़े के ठेले लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, और ये भैया मिठाइयों की जस्ट अपोजिट होना चाहिए ना चीज़। तो इन्होंने सागर की बर्फी, मालवा का चूरमा बाटी, जलेबी, पेड़ा, इनका है ना वो ब्रांडिंग करेंगी सरकार। ये तो बता रही हूँ भाई, बहुत मज़ा आएगा बता रही हूँ। ये मिठाइयाँ बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे पैकेट में मिलेंगी खाने को। हाँ, ये खबर ये सुन लो, वो दाऊद की जो डी कंपनी है इसमें ये आतंकवाद का काम कर रही है, पूरा आतंकवादियों का कम्युनिकेशन बढ़ा रही है, उनका काम कर रही, तो इसका हमने शिकायत कर दी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। अब वो भुनभुनाए बैठे हैं और तालिबान कह रहे हैं यहाँ हमला करो, वहाँ हमला करो। अरे मैंने कहा, मैंने उनसे कहा भाई ये ऐसा है कि ये अब है ना हिंदुस्तान बेता नहीं रहा, पहले जैसा कहीं भी हमला कर दो, अब करके देखो देखो सीधा यहाँ थी वो जाएगी मिसाइल बबाक से, है ना तुम्हारे बम बम है सब फोड़ देगी, बता रही हूँ। हाँ जरा संभल के रहा करो। और गोवा कर्नाटक में देख लो क्या वो विधायक विधायक खेल रहे हैं भैया, कर्नाटक से 15 विधायक हैं वो वहाँ पे बम्बई में ऐश कर रहे हैं होटल में, वहाँ पे किसी को जाने भी नहीं दे रहे, बहुत प्राइवेसी रखी है उनसे, कोई मिलने नहीं दे रहा, बहुत ये उनका दिमाग ठीक होना चाहिए, नहीं वापस आ जाए बताओ। हाँ, और ये गोवा में भी यही हो गया भैया, 10 विधायक भाजपा में शामिल हो गए कांग्रेस के। इस समय मैं बता रही हूँ विधायकों को पकड़ के रखो, मैं कमलनाथ जी से कह रही हूँ इनको है ना विधायकों को रस्सी वस्सी बांध के ले जाओ, जहाँ भी जाओ साथ में। हाँ, तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ पे, और मैं कह रहा हूँ अपने विधायकों को तो संभालो, प्रदर्शन तो ठीक है अपने घर को संभालना चाहिए भाई, आदमी इधर उधर नहीं जाके हैं दूसरी पार्टियों में जा रही है। और ये खबर ये सुन लो, दिल्ली से फ्रांस जो फ्लाइट जा रही थी उसमें 26 यात्रियों को नीचे उतारना पड़ा, वो टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम थी, वजन वजन ज़्यादा हो रहा था जो भी हो रहा था। और मैं बता रही हूँ प्लेन वालों से ये कहना चाहूँगा, मैं हमारे मिनी बस वालों से सीखो कुछ, ये 10 सवारी इधर लटक जाती हैं, कहीं 10 सवारी उधर लटक जाती हैं, एक्स्ट्रा ऊपर बिठा के भी ले जाते हैं भैया, ये तो है। अब मेरा भी टाइम घर जाने को हो रहा है, मैं भी मिनी बस पकड़ूं। नमस्कार। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lnctu.ac.in.